गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फास्ट ट्रैक नी रिप्लेसमेंट का यूज़ उन पेशेंट्स में जिनकी हार्ट की बड़ी सर्जरी हो चुकी है। हार्ट का सबसे बड़ा ऑपरेशन होता है बाईपास ग्राफ्टिंग। सो CABG के बाद लोग मेरे पास आके पूछते हैं कि क्या डॉक्टर साहब हम नी रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं, क्या बहुत ज़्यादा रिस्क तो नहीं होगा इस सर्जरी में। तो फास्ट ट्रैक नी रिप्लेसमेंट के बाद ऐसी एडवांटेजेस आ गई हैं जिसमें हम बाईपास सर्जरी के बाद भी नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। इसमें एक तो हम एपिड्यूरल इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, तो पेशेंट के हेमोडायनेमिक चेंजेस नहीं होते, बीपी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाता है, इससे पेशेंट के हार्ट पर लोड नहीं पड़ता है और ड्यूरिंग सर्जरी पेशेंट कंफर्टेबल रहता है। नंबर टू, कॉकटेल इंजेक्शन के बाद ब्लीडिंग कम होती है, बाद में ब्लड की ज़रूरत कम पड़ती है। नंबर थ्री, सेम डे चलाने की वजह से पेशेंट की मोबिलिटी ज़्यादा होती है, DVT का रिस्क कम हो जाता है। सो दीज फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रिवेंटिंग स्ट्रेस ऑन अ ऑलरेडी वीक हार्ट। सो आई वुड टेल यू अ सक्सेस स्टोरी ऑफ अ पेशेंट मिस्टर श्यामलाल जी हु हैड बीन रिफ्यूज्ड नी सर्जरी फ्रॉम ऑल द मेजर हॉस्पिटल्स ऑफ द ट्राई सिटी। And he came to us, we did his risk assessment and we found with our anesthetist team that he was having little or no risk of surgery if we go through fast track knee replacement. So after 1 year of surgery, he is sitting cross-legged, वो चौंकरी मार के बैठ रहे हैं, 10 किलोमीटर साइकिल चला रहे हैं और अपना बिजनेस चला रहे हैं, खूब चल फिर रहे हैं, हार्ट पे लोड भी कम है क्योंकि पेन नहीं है, एफर्ट नहीं लगता है चलने में, और एक खुशहाल ज़िंदगी और एक प्रोडक्टिव लाइफ लीड कर रहे हैं। सो वी विल शो यू मिस्टर श्यामलाल्स इंटरव्यू आल्सो एंड हिज सक्सेस स्टोरी एंड वी विश हिम ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नमस्कार, मैं श्यामलाल विलेज बलाना, हाउस नंबर 252A, UT चंडीगढ़ निवासी। मेरा घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द था, मैंने इसको PJ भी चेक करवाया। एक्चुअली मेरी कार्डियोलॉजी की प्रॉब्लम थी क्योंकि मैं PJ कार्डियोलॉजी चेक करा रहा था। मेरा जनवरी 99 में बाईपास हुआ था, बाईपास को मेरे 22 साल हो गए थे, इसलिए कोई भी डॉक्टर मेरे घुटनों का ऑपरेशन नहीं कर रहा था। मैं थक हार के, मुझे किसी से पता लगा कि डॉक्टर अतुल को चेक कराओ, मैं डॉक्टर अतुल के पास गया, इन्होंने सारे टेस्ट किए,